साथियों, मैं जानता हूं आपके मन में क्या क्या सवाल हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए उन सवालों को जवाब का, वो अलग से करेंगे। पहले जो अजय माकन जी ने कहा है डोनेट फॉर न्याय के बारे में, डोनेट फॉर INC के बारे में और क्राउड फंडिंग के बारे में, जो कुछ आपके सवाल हैं आप माकन जी से पूछें। देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैंने आप लोगों से एक बार इनफॉर्मल ब्रीफिंग जब हुई थी पिछली बार, मैंने बताया था कि पहले दो दिन में ही 50,000 से ज़्यादा अटैक हमारी वेबसाइट के ऊपर हुए थे और फिशिंग अटैक हमारे वेबसाइट के ऊपर हुए थे। फिशिंग अटैक वो होता है कि वेबसाइट से जिसमें डोनेशन लिया जाता है उससे मिलता जुलता नाम का कोई साइट बना दे और उसके अंदर वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दे। ये फिशिंग अटैक हमेशा ऐसा क्राउड फंडिंग के अंदर, जो पॉपुलर क्राउड फंडिंग होता है उसके अंदर होता है। हमारा ये फर्ज रहता है कि हम उसमें सजग रहें और उस पर कार्रवाई करें। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि एक इसी से मिलता जुलता नाम का किसी व्यक्ति ने, एक 22 साल का के नवयुवक ने शुरू किया और जैसे ही हमें पता चला हम लोगों ने उसके ऊपर उसी वक्त कार्रवाई करी। हैदराबाद के अंदर हैदराबाद पुलिस ने उसके ऊपर कंप्लेंट का संज्ञान लिया और अगले ही दिन वो साइट बंद करा दी गई और कल जो व्यक्ति जिसने ये कार्य किया था वो अरेस्ट हो गया और वो अरेस्ट होकर के जयपुर से उसको हैदराबाद ले जाया गया है और उसके ऊपर बहुत ही संगीन धाराएं, जो भी इसमें वायलेशन हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं आज यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये बेईमानी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। कोई भी व्यक्ति हम लोगों की वेबसाइट से मिलते जुलते, ये हमारे एसेट्स हैं और अगर हमारे एसेट से मिलते जुलते लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो हम लोग पूरी की पूरी कड़ी कार्रवाई जो भी कानूनी तौर पे है वो करेंगे और उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इसमें इसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैसे को चोरी करने की कोशिश करेगा, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैसे की उनकी जेब से चोरी करने की कोशिश है। हमें खुशी इस बात की कि हमने उसी वक्त इसका संज्ञान लिया और मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपये ही उसके अकाउंट में केवल जा पाए थे जो वहां पे अभी लोकल पुलिस ने कहा, लेकिन उसी वक्त उसको रोक दिया गया। आपको जैसे मैंने कहा लगभग 20 करोड़ रुपए के करीब हम लोगों के यहां पर अभी तक के इकट्ठे हुए हैं, लगभग 3 लाख के करीब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो जाहिर बात है कि 2-4-5 लोग भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन इसमें आगे कोई भी व्यक्ति ये करने की जरूरत ना करे क्योंकि हम इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हमने कड़ी नजर इसके ऊपर रखी हुई है। और कुछ सवाल इसके बारे में? अच्छा, ये इसके बारे में अगर आप सवाल पूछेंगे तो और जो विषय हैं उस पर सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, वो दूसरे लोग पूछ लेंगे ना। अच्छा, ये भारत जन न्याय यात्रा में आपने डोनेट फॉर देश किया? नहीं, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो अब हम कर रहे हैं। ये डोनेट फॉर देश हमने किया था जब कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे हुए थे तो उस वक्त किया था और उस वक्त हमने लोगों से कहा था कि 138 के मल्टीपल्स में आप हमारे को दें, यानी 138 रुपए देना चाहते हैं, 1380 देना चाहते हैं, 13,800 देना चाहते हैं, उसके मल्टीपल्स में दें जब कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे हो रहे थे, वो डोनेट फॉर देश था। ये डोनेट फॉर न्याय है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर राहुल गांधी जी चल रहे हैं तो इसमें हम 67 के मल्टीपल्स में हम लोगों से मदद मांग रहे हैं कि 67 के मल्टीपल्स में लोग हमें मदद करें। You have already answered the question. It's we can't fight contest elections by raising money only through our workers.
by raising money through our workers, we can mobilize them, and it is just a part of this entire election campaign. It is not, if someone thinks that we'll get all our money which is required for the elections through this crowdfunding, I think he's wrong, and we never intended. This is something which I said right in the beginning. Secondly, it is much, much more than any other crowdfunding effort by any other political party. Aam Aadmi Party started, BJP started. They never could reach even 1 crore. And in just last 1 month, our workers, with the help of our workers, we have been able to successfully reach 20 crores. So it is not a small amount. You have to compare it with other efforts by other political parties. You have to compare it with previous efforts within the Congress party earlier. So this donateinc.in is not something which has been created now. This is something which was created around 8-9 years ago, but never we could get more than 4 or 5 lakh rupees a month. And in just 1 month's time, we have been able to get 20 crore rupees. It's not a small amount. And it is, you can't undermine the efforts of 3 lakh of congressmen who have given money. And more than 95% of the workers, they have given less than 100 rupees. They are about 10, maximum is people who have given just 10 rupees, which is the minimum denomination. So how can you undervalue rupees 10? This 10 rupees 10 is more valuable than 100 crore rupees from an industrialist. So the idea is not to get money. The idea is to motivate the workers. The idea is to make people now here. Bharat Jodo Nyay Yatra will be going through one part of the country. Rest of the party workers throughout the country will be able to participate in this by giving just 67 rupees. So this is a political platform. It is not only a money generation program. It is a political program, and I am very happy that such a large number of workers, there, in just a call, small call in last 24 hours, I am able to get 2 crore rupees in just 2 hours. Please don't undermine the efforts of the Congress workers and Congress leaders who have come away from far-flung areas to just be a part of Rahul Ji's Bharat Jodo Nyay Yatra. 20 crores in 1 month. From 18th we started, and we have been able to get 20 crores. Earlier we used to get zero. So compare zero with 20. Don't compare. Someone can say, why didn't you get 100 crore? But then why only 100 crore? Why don't you say we should have got 1,000 crores? There is no basis for 100 crores. There is no basis for 1,000 crores. You compare other crowdfunding programs of other political parties. They were hardly able to get anything beyond 10, 20 lakh rupees. Here the Congress, that is why we are doing this, because Congress is the party which has got workers in every nook and corner of the country who are willing to be a part of this. Listen, we've got target for the parliament elections. We've got that target, and we are working on that, and we'll be able to achieve that. Crowdfunding is just a part of this. You can have target for crowdfunding had you done crowdfunding earlier, on the basis of which you could have had a target. Now this is something which we are also learning so many new things. What we had started last time, there are so many new things which we have done now. This merchandising is something which we have introduced now. It was not there earlier. This referral system, making a competition amongst the workers, among the leaders in the state, this is something new which we have learned from the last time. So this is something new. You should appreciate that this is the cleanest way of generating money. This is the cleanest way of getting money for political parties, because we are getting money through banks, directly through banks. People are giving money directly through banks, and only such people are allowed to open accounts who have got their PAN numbers and who have got their KYC certificate validated. Otherwise, you can't open an account. Otherwise, you can't give a money. So this is the cleanest way of getting funds, political funds. This is something which you all should appreciate. Okay, shukriya.